अब वो दिन भूल जाइए जब ईमानदारी लोगों के खून में बसती थी। वैसे आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी कि दुनिया झुकती नहीं, झुकाने वाला चाहिए। यदि इस कहावत का नवीनीकरण करें तो मॉडल जमाने में ये मतलब निकल सकता है कि दुनिया बेवकूफ है, बेवकूफ बनाने वाला चाहिए। इस युग में हम लोग जिस और आँख घुमा के देखेंगे, हमें यही दिखाई देगा कि हर आदमी एक दूसरे को बेवकूफ बनाने में जी जान से लगा हुआ है। आप ऐसे कई चाय दुकानदार देखेंगे जिनके पास आपको ठगने के कई तरीके होंगे। आज हम आपको कुछ ऐसे ही वीडियोस दिखाने वाले हैं जिसमें आप जनता को बेवकूफ बनते हैं और दुकानदारों को हमारे हेल्थ और पैसों के साथ खेलते हुए देखेंगे। पर दोस्तों, आपसे हमारा यही आग्रह है कि वीडियो को देखकर केवल अपने तक ही मत रहिएगा और लोगों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा ताकि वो भी सावधान हो जाएं। दक्षिण भारत में बनाई गई इस वीडियो में आप देखेंगे कि एक महिला चुन चुन कर अच्छे फल एक रेडी वाले से खरीद रही है। जब उसके द्वारा चुने गए फलों को तोड़ लिया गया, जिसके बाद रेडी वाला फल को पैक करने के लिए आगे झुका और पहले से ही रेडी पर रखे हुए खराब फल को अच्छे फलों से बड़े ही चालाकी के साथ बदल दिया गया। यानी पूरे पैसे देने के बावजूद महिला को मिले खराब फल या फिर कम फल, और महिला के जाते ही रेडी वाले ने अच्छे फलों को फिर से ढेर में गिरा दिया। इसके बाद भले ही महिला वापस आकर शिकायत करने की सोचे, तो या तो वो मिलेगा ही नहीं या फिर साफ बोल देगा मेरे यहाँ माल ही नहीं है, क्योंकि फेरी वाले या रेडी वाले घूम घूम कर सामान बेचते हैं। अब इन भाई साहब को देखिए, इन्हें पता है कि ये रेडी वालों की तरह धोखाधड़ी करके दुकान उठाकर तो ले जा नहीं सकता, लेकिन लोगों को ठगना भी तो है, तो इन्होंने ये तरीका निकाला ठगी का। ग्राहक के आने पर ये एक फल पहले उठा लेते हैं। ऊंचाई और आगे सामान पड़े होने की वजह से ग्राहक इनकी चालाकी नहीं देख पाता। दुकानदार तराजू पर बगल से उठाकर फल रख लेता है, जिसकी वजह से ग्राहकों को वजन मशीन की रीडिंग में तो ठीक दिखता है, फिर पैक करते वक्त ये उस फल को नीचे गिरा देता है। ग्राहक को पूरे पैसे देने पर भी मिलते हैं एक पीस कम, और ये ऐसा हर किसी के साथ जरूर होता होगा। ऐसे में 5 से 7 ग्राहक से धोखा करके सीधा ही वो 1 किलो के पैसे बचा लेता है, क्योंकि उसे मालूम है कि हम घर ले जाकर फल को तोलने वाले थोड़ी ना हैं। अब इस वीडियो को गौर से देखिए, कैसे चालाकी से दुकानदार ग्राहक द्वारा पसंद किए गए फलों को पहले से कम तोल के रखे, या इसमें कुछ फल खराब भी हो सकते हैं, जिसके बाद ग्राहक द्वारा चुने गए फलों को बदल दे रहा है। और दोस्तों, ऐसा ज्यादातर फल वाले ही करते हैं, क्योंकि एक तो फलों का दाम ज्यादा होता है और दूसरा इनमें गिने चुने पीस होते हैं, जिसके चलते इन्हें ज्यादा परेशानी होती है और मुनाफा भी अच्छा होता है। ये सब तो आप फिर भी एक बार माफ कर लेंगे, लेकिन अब जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उसे देखने के बाद आपका खून खोल उठेगा, क्योंकि यहाँ पैसों से ज्यादा आपके हेल्थ के खिलाफ खिलवाड़ हो रहा है। दोस्तों, आप भी सलाद से मूवी पसंद करते होंगे। हालांकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो खाने में मूली लेना पसंद करते हैं। ये मूली के पराठे देखकर आपके मुंह में भी पानी आ जाता होगा, और खरीदारी करते वक्त आप सफेद चमकदार मूली खरीद लेते होंगे। पर मूली लेने से पहले इन जनाब से भी मिल लीजिए। मिट्टी लगी मूली को गंदी नाली में डुबा डुबा कर साफ कर रहा है। जिस गंदी नाली को देखकर हम दूर से नाक बंद कर लेते हैं, उसमें ये जनाब मूली को धूल रहे हैं। अब आप खुद ही सोचिए, इसे खरीदने के बाद केवल पानी से साफ करने से काम चल जाएगा या नहाने वाला डेटॉल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो हम नहीं कर सकते। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं दूसरी तरफ, जहां ये भाई साहब ठेले के नीचे बैठकर कितनी मेहनत करके लीची पर स्प्रे मार मार के आर्टिफिशियल तरीके से मीठी की गई हर लीची को लाल बना रहे हैं, जिसे हम और हमारे बच्चे बड़े चाव से खाते हैं। चंद पैसों के लिए हमारी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। ये फल ही नहीं बल्कि सभी प्रकार की सब्जियां, जैसे कि परवल हो, भिंडी हो, या फिर मटर हो, या फिर कोई भी आपकी मन पसंदीदा सब्जी, ये लोग ऐसे ही रंग डाल कर बेच रहे हैं। इसके अलावा मिठास और साइज में बड़ा करने के लिए ये तरह तरह की हानिकारक इंजेक्शन भी सब्जियों में लगा रहे हैं, जो जानलेवा है, और हम भी इन चमकती सब्जियों और साइज को देख कर खरीदने पर मजबूर हो जाते हैं। ये मिलावट सब्जियों और फलों तक ही सीमित नहीं, अंडे से लेकर चावल तक मार्केट में प्लास्टिक के बिक रहे हैं। तो साथियों, आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपसे वादा करते हैं कि आपके लिए दूसरी चीज जल्द लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो में। धन्यवाद।